हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप JSSC CGL का फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। JSSC CGL का जो फॉर्म आया है, जैसे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और भी 4-5 पोस्ट है, जिसको आप 3 स्टेप में फॉर्म को भर सकते हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है अप्लाई फॉर्म और तीसरा स्टेप है फी पेमेंट। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में आप टाइप कीजिए JSSC.NIC.IN, उसके बाद सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। उसके बाद नीचे जाने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JGGLCCE 2019 उसको अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ओके कीजिए। ओके, नया टैब ओपन होने के बाद आपको कुछ डिटेल्स डालना है, जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जेंडर, फादर्स नेम, रिजर्वेशन कैटेगरी। तो सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट डालते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है हैव यू अप्लाइड बिफोर इन CGSCE 2015। इसमें पूछ रहा है, आप 2015 में एक वैकेंसी निकला था, तो उसमें आप अगर अप्लाई किए हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं किए हैं तो नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर देना होगा और फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ देना होगा। उसके बाद ऑप्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपको यस करना है। इसमें पूछ रहा है आप ग्रेजुएट है कि नहीं, तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। नीचे ऑप्शन में पूछ रहा है आप झारखंड के निवासी है कि नहीं, अगर आप झारखंड के निवासी नहीं हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपको इसमें यस करना है। उसके बाद नीचे जो है इसमें भी आपको यस करना है। फिर जेंडर है, जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप है वो डाल दीजिए। उसके बाद आपका फादर्स नेम डालना है। फिर उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी। अब आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अब देखिए आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि हो गया ST, SC, EVC 1, BC 2, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल वालों के लिए है, तो इसमें हम आते हैं EVC, इसीलिए EVC में डाल रहे हैं। उसके बाद है फिजिकल हैंडीकैप। तो फिजिकल हैंडीकैप अगर आप है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन, इसमें आपको नो करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद आपको एक ईमेल एड्रेस डालना है, तो ईमेल एड्रेस डालते हैं। उसके बाद नीचे है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद नीचे है कैप्चा कोड, उसमें आपको कैप्चा कोड ऊपर लिखा हुआ है उसको डालना है। तो डाल रहे हैं LB492E। उसके बाद आपको एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन एंड रूल एंड रेगुलेशंस, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है, टिक करना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।